हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल न्यू क्रिएशन फैशन हब। एक बार फिर से मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ। पिछली वीडियो में हमने इस सूट की कटिंग आपको बताई थी, इस वीडियो में मैं आपको इस सूट की स्टिचिंग बताऊंगी। सबसे पहले हम बैक नेक कट करेंगे। मैंने दोनों पार्ट को बिछा लिया है, लाइनिंग और अपने सूट के पार्ट को। इसकी लंबाई मैं 5.5 इंच रखूँगी और चौड़ाई रखूँगी 2.5 इंच। तो मैंने ये दोनों निशान लगा लिए हैं। उसके बाद हम इसको गोलाई देंगे और फिर कट कर लेंगे। कट करने के बाद मैं आपको ये गला बना कर दिखाऊंगी। ये गला मैं बिना बुकरम के तैयार करूंगी। अगर आपको भी बिना बुकरम के गला बनाना हो तो आप भी इसी प्रकार से बना सकते हैं। ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रेडी होता है। अब हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे इस पर। सिलाई लगाने के बाद हम इसमें कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद हम इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद हम बैक यानी लाइनिंग पे एक स्टिचिंग लगाएंगे। वो स्टिचिंग लगानी बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि उसी से हमारे नेक में फिनिशिंग आती है। देखिए, वीडियो में मैंने स्टिचिंग लगा ली है। इससे हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। ऐसे ही हम फ्रंट पार्ट को भी तैयार कर लेंगे। फिर मैं नीचे से लाइनिंग को फोल्ड कर लूँगी, क्योंकि फोल्ड करने के बाद ही हम दोनों पार्ट के लाइनिंग को अटैच करेंगे। उससे पहले हम सब शोल्डर अटैच करेंगे, क्योंकि मैंने कटिंग करते टाइम डाउन नहीं लिया था 1/2 इंच। तो मैं थोड़ी सी तिरछी करके शोल्डर की स्टिचिंग लगाऊंगी। ऐसे ही हम दोनों शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। ऐसे शोल्डर जॉइंट करने से हमारा जो ये जोड़ होता है, ये पीछे से भी दिखाई नहीं देता। हमें ये जोड़ते टाइम ध्यान रखना है कि हम जो ये जॉइंट है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से एक दूसरे से मैच करके जॉइंट करें। उसके बाद हम लाइनिंग को इससे अटैच कर लेंगे। मैंने मोटा पखिया करके सूट के चारों तरफ स्टिचिंग कर ली है। ऐसे ही हम फ्रंट जो हमारा पार्ट है उस पर भी लाइनिंग को नीचे तक अटैच कर लेंगे। उसके बाद हम एक गले पर स्टिचिंग लगाएंगे। मैं बिल्कुल पास पास लगा रही हूँ। आप चाहे तो एक पैर की सिलाई भी लगा सकते हैं, क्योंकि इससे गले में फिनिशिंग आती है और गला अच्छे से बैठ जाता है, बार बार इधर उधर नहीं जाता। सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा गला कितने फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है, और पीछे से जो हमारे शोल्डर हैं उसमें जोड़ भी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद हम फिटिंग का जो निशान लगा हुआ उस पर स्टिचिंग लगाएंगे। मैं ये स्टिचिंग डबल लगाती हूँ। आप चाहें तो सिंगल भी लगा सकते हैं, और आप चाहें तो डबल भी लगा सकते हैं। ये स्टिचिंग आप एक पैर की दूरी पर लगाएं। उसके बाद मैं फ्रंट पार्ट पर अपना बॉर्डर अटैच करूंगी। मैंने जितनी मुझे लेंथ रखनी है वहां तक निशान लगा लिया है, और उसके बाद उस पर अपना बॉर्डर रखा है। सूट का सीधा साइड है और बॉर्डर को हमने उल्टी साइड रखा है। फिर हम ये सिलाई निशान के बिल्कुल ऊपर लगा रहे हैं। उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे, और बॉर्डर को पलटने के बाद हम इस पर एक स्टिचिंग ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि इससे हमारा जो बॉर्डर लगा हुआ है वो उठा उठा नहीं रहेगा और बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएगा। उसके बाद हम पीछे से फिनिशिंग देने के लिए जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं फोल्ड कर दूँगी। आप चाहें तो इंटरलॉक भी कर सकते हैं, पर मैं इसको मशीन से ही फोल्ड करूंगी, क्योंकि ये सर्दियों का सूट है तो इसमें धागे निकलने शुरू हो जाएंगे। जैसे हमने नीचे बॉर्डर अटैच किया था, ऐसे ही हमारी बाजू में भी फोल्डिंग का कपड़ा नहीं है, तो मैं इसमें भी एक्स्ट्रा कपड़े को अटैच करूंगी, और जो भी जितना हमें फोल्डिंग के लिए रखना है उतना रख कर बाकी कट कर दूँगी। फिर हम इसके ऊपर भी ऐसे ही एक स्टिचिंग लगाएंगे ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। फिर मैं इसको पीछे फोल्ड कर दूंगी, क्योंकि हमें इसमें तुरपाई करनी है।
ये स्टिचिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फिर मैंने जो भी अपनी फिटिंग का निशान लगाया है उस पर मैं सिलाई लगाऊंगी। ऐसे ही मैंने दोनों जो हमारी स्लीव्स हैं उनको रेडी कर लिया है। इनको रेडी करने के बाद हमें इसे सूट में अटैच करेंगे। हमें देखना है कि जो स्लीव का फ्रंट यानी छटाई वाला हिस्सा है वही हम सूट का भी जो छटाई वाला हिस्सा है उसे मैच करें। फिर मैं बाजू को सीधी करके और सूट की बाजू के अंदर डालूंगी और फिर हम दोनों के जॉइंट को आपस में बिल्कुल मिला लेंगे और स्टिचिंग लगाना शुरू करेंगे। जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम ऐसे करके फोल्ड कर देंगे जैसा मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। आप भी ऐसे ही फोल्ड करके पूरी बाजू पर सिलाई लगा लें। ऐसे करके हम दोनों बाजुओं को जॉइंट कर लेंगे। आपको फ्रेंड्स मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं आपके लिए ऐसे ही न्यू वीडियोस लेके आती रहूँगी जिससे आपको स्टिचिंग में हेल्प मिले। अगर आपको भी स्टिचिंग में कोई न्यू वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके लिए वो वीडियो बनाऊंगी। हमारी एक बाजू लग के रेडी हो गई है। ऐसे ही मैंने दूसरी बाजू को भी लगा लिया है। अब हम नीचे से अपना फोल्ड करेंगे। हमने नीचे से फोल्ड कर लिया है। अब हम चारों साइड से भी फोल्ड करेंगे। मैंने 2 इंच पे निशान लगा लिया है। ऐसे ही आपको चारों तरफ से 2-2 इंच करके फोल्ड करना है। एक साइड से मैं आपको फोल्ड करके दिखाऊंगी। जैसे हम एक साइड से फोल्ड करेंगे ऐसे ही आपको चारों साइड से फोल्ड करना है। बस ये ध्यान रखना है कि आपके जो दोनों कोने हैं वो बिल्कुल बराबर आए। मैं आपको लास्ट में ये मैच करके भी दिखाऊंगी कि मेरे कोने बिल्कुल बराबर आए हैं और मैंने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इसे फोल्ड कर लिया है। आप भी इस प्रकार से फोल्ड करोगे तो आपके भी जो चाक हैं वो अच्छे से बन जाएंगे और अच्छे से फोल्ड हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे चारों तरफ से फोल्ड कर लिया है और मेरे कोने बिल्कुल एकदम से बराबर आए हैं। आप भी ऐसे ही करोगे तो आपके भी कोने बिल्कुल बराबर आएंगे। मेरा पूरा सूट बिल्कुल तैयार हो चुका है। उसके अब मैं आपको सूट का बिल्कुल फाइनल लुक दिखाऊंगी कि मैंने गला कितनी फिनिशिंग के साथ रेडी किया है। देखिए फ्रेंड्स, बिना बुकरम के भी हम गला बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रेडी कर सकते हैं। बाजू मैंने जोड़ वाली बनाई है। अगर आपको भी जोड़ वाली बाजू की कटिंग देखनी है तो आप इसकी दूसरी वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले मैंने इसकी कटिंग की वीडियो डाली थी जिसमें मैंने जोड़ वाली बाजुओं की कटिंग करके दिखाया है। अगर आपको भी वो बाजुओं की कटिंग सीखनी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको मेरी वीडियोस अगर अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।